प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय त्रिभुज। हम इस अध्याय का तीसरा भाग देखेंगे आज, और फिर इस अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही 10वीं कक्षा के साइंस में हम पढ़ेंगे अध्याय धातु एवं अधातु। हम इस अध्याय का पांचवा भाग देखेंगे आज, और फिर उन पर आधारित प्रश्नों को भी जानेंगे। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज, और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही फिजिक्स में हम पढ़ेंगे अध्याय तरंग प्रकाशिकी। हम इस अध्याय का छठा भाग देखेंगे आज, और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज चैप्टर, यानी आपके गणित की किताब का छठा अध्याय। तो त्रिभुज में अभी तक आप लोगों ने दो वीडियोस देखी होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये वीडियो है पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। पहला, एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 कसौटी, फिर कोण कोण कसौटी, फिर भुजा 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 कसौटी एंड भुजा कोण भुजा कसौटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात हो। तो ये दो प्रतिबंध है, पहला संगत कोण बराबर तथा दूसरा संगत भुजाएं एक ही अनुपात। तो किसी भी दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए दोनों ही प्रतिबंधों का संतुष्ट होना आवश्यक है। समरूपता को हम इस साइन से सूचित करते हैं। ये आपने सर्वांगसमता में भी पढ़ा होगा, इसके नीचे बस एक बराबर का साइन होता है, तो हम उसको कहते हैं सर्वांगसमता, और सिर्फ इस साइन को हम कहते हैं समरूपता का साइन। शुरू करते हैं प्रमेय 3 से। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, और इसीलिए त्रिभुज समरूप। अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिए हुए तो उनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में ही होंगी, और इसीलिए हम इसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं इसको। दो त्रिभुज लीजिए एबीसी तथा डीईएफ। ये हमने दो त्रिभुज लिया है। अब जिनमें दिया क्या है कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के तथा एंगल सी बराबर है एंगल F। अब DP एक कट लगाइए DE रेखा पर, यानी DE भुजा पर, जो कि बराबर हो जाएगा AB के, यानी DP बराबर होना चाहिए AB के। इसी प्रकार हम DQ एक कट लगाएंगे AC के बराबर DF पर, यानी DQ बराबर हो जाएगा AC के। अब हम क्या करेंगे, अब P और Q दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। इसको मिलाने के बाद ये जो DP भुजा आई है वो AB के बराबर है तथा DQ भुजा जो है वो AC के बराबर है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के, समान भुजाएं एवं समान कोण, जैसे यानी ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से समरूप। कैसे, आप लोग अपनी कॉपी में कर सकते हैं इसको। AB बराबर है DP के, जो हमने कंस्ट्रक्शन द्वारा यानी रचना द्वारा किया है। AC बराबर है DQ के, ये भी रचना द्वारा सिद्ध होता है।
और कोण ए कोण बी के बराबर में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समता हो जाएगा। अब कोण बी जो है वो कोण बी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। इसी प्रकार कोण बी कोण ई के बराबर हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो कोण बी ई के बराबर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि बी बी के बराबर है और बी ई के भी बराबर है, यानी पी ई के बराबर हो जाएगा, यानी कोण पी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा ऊपर के दिए हुए दो स्टेटमेंट्स। अब क्योंकि कोण पी और कोण ई संगत कोण है और दोनों बराबर है, इसीलिए पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ के, अतः डी पी बटे में पी ई हो जाएगा बराबर डी क्यू बटे में क्यू एफ के, प्रमेय एक से जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब इसको अगर हम व्युत्क्रम करें, यानी ये हो जाएगा बराबर पी ई बटे डी पी बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू के। अब दोनों तरफ एक जोड़िए, ये आ जाएगा पी ई बटे डी पी जमा एक बराबर ई क्यू बटे डी क्यू जमा एक। और एलसीएम लेकर के अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो ये आ जाएगा डी पी जमा PE बटे में DP बराबर में DQ जमा QF बटे में DQ। अब DP जमा PE क्या है? DP को अगर PE से जोड़े तो ये आ जाएगा DE के बराबर, ये जगह DP बटे में DP। इसी प्रकार DQ को QF से जोड़े तो ये आ जाएगा DF के बराबर, ये जगह DF बटे में DQ। अब हम इसको फिर से व्युत्क्रम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा DP बटे DE बराबर में DQ बटे DF। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर हो जाएगा AC बटे DF के, क्यों? क्योंकि हमने रचना द्वारा AB बराबर DP खींचा है और AC बराबर DQ। इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटे DE होगा बराबर BC बटे EF। और इन दोनों स्टेटमेंट से हमें ये मिलता है कि AB बटे DE बराबर है BC बटे EF और ये बराबर है AC बटे DF के। तो हमने सिद्ध कर दिया है कि इन दो त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में हैं। हमें दिया था कि संगत कोण बराबर है और हमने सिद्ध किया है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में। तो क्योंकि दोनों ही प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं इसीलिए कि त्रिभुज समरूप है। अब यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त समरूपता को हम कोण कोण कसौटी कहते हैं। यहाँ क्या है, पिछले प्रमेय में हमने किया था कि तीनों ही कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर है। यहाँ पर क्या है, अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तभी भी त्रिभुज समरूप। कैसे? अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर होगा। आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के प्रमेय से। तो इस प्रकार आपको तीसरा कोण बराबर मिल जाएगा अगर दो कोण बराबर है। तो इस प्रकार से अगर सिर्फ दो कोण भी बराबर होते हैं तभी भी त्रिभुज समरूप होगा और इसको हम कहते हैं एंगल एंगल यानी कि कोण कोण कसौटी। अगला प्रमेय देखते हैं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनकी संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इसको हम कहते हैं साइड 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 यानी ट्रिपल एस से लिखते हैं। इसका अर्थ होता है भुजा 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 कसौटी। इसको हम डिटेल में सिद्ध नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता नहीं, बस जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि त्रिभुज दो अगर दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज में अगर AB बटे DE बराबर है BC बटे EF के और ये बराबर है AC बटे DF के तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे SSS समरूपता कसौटी से। एक चीज यहाँ पर आप जान लीजिए, हम लोग बहुत देर से संगत कोण और संगत भुजाओं के बारे में बात कर रहे हैं
एक बार बता देते हैं कि संगत का क्या अर्थ होता है। संगत का यहाँ अर्थ है क्योंकि जिस तरीके से हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा है AB बटे DE, तो आपको कैसे पता कि AB के नीचे DE ही आएगा, EF नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम कोण की बात करते हैं तो संगत भुजाओं का अर्थ होता है जैसे AB, ABC की पहली दो टर्म्स हैं, इसी तरह DEF के पहले दो टर्म्स DE होगा, तो इनको हम कहते हैं संगत भुजाएं। इसी प्रकार BC है EF का संगत भुजा और AC की संगत भुजा हो जाएगी DF। इसीलिए AB बटे में हमने DE, BC बटे में EF तथा AC बटे में DF। अब उदाहरण देखते हैं। आकृति में कोण पी ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है? ये हमें आकृतियां दी हुई है दो। इन आकृति में हमें कोण पी ज्ञात करना है। तो पी कोण ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर आप त्रिभुज PQR को देखें तो PQR में एक भी कोण हमें दिया नहीं है। तो अगर एक भी कोण नहीं दिया हुआ है तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कोण पी को? चलिए दूसरे त्रिभुज पर आते हैं, त्रिभुज ABC। क्या त्रिभुज ABC में हम C कोण ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, त्रिभुज ABC में हमें A और B दिया हुआ है तो हम C ज्ञात कर पाए। और अगर मैं त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप कर दूं किसी प्रकार, तो क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं तो इस प्रकार हम कोण P ज्ञात कर पाए। चलिए देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। इसके लिए भुजाएं सभी दी हुई है तो हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालें। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR AB बटे QR, AB कितना है 3.8 बटे में QR 7.6 और दोनों को अगर काटे तो ये आता है 1/2। दूसरी भुजा देखें AC बटे PR, AC है 3√3 बटे में PR है 6√3 और दोनों को काटने पर हमें प्राप्त होगा 1/2। तीसरी भुजा देखें BC बटे में PQ, BC भुजा है 6 तथा PQ भुजा है 12, 6/12 क्या होता है 1/2। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AB बटे QR बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे PQ बराबर है 1/2 के, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQB की। संगत भुजाएं कुछ इसी प्रकार है कि RQB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। आप देख रहे हैं कि AB की संगत भुजा QR है, AC की संगत भुजा PR है और BC की संगत भुजा PQ है, इसीलिए हमने इसको PQR ना करके RQB लिया है। और ये समरूप होता है भुजा 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 समरूपता नियम से। अब हमें निकालना है कोण P। तो कोण P की संगत कोण कौन सी है, कौन सी और कौन सी कोण P के बराबर हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब कोण C बराबर है कोण P के, पर हमें कोण C का मान भी नहीं ज्ञात है, तो कोण C का मान हम ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुज ABC में आप देखिए, त्रिभुज ABC में त्रिभुज A पता है, त्रिभुज B पता है और हमें C ज्ञात करना है। C ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के कोण युग गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। ये क्या होता है? ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर होगा 180 डिग्री के। अब हम यहाँ पर कोण A का मान और कोण B का मान प्रतिस्थापित करेंगे, यानी 80 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। 80 जमा 60 डिग्री जुड़ करके 140 डिग्री होगा, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री जमा कोण C बराबर 180 डिग्री, यानी कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा 140 डिग्री, यानी कोण C का मान क्या है 40 डिग्री और कोण C किसके बराबर है, कोण P के, इसीलिए कोण P का मान भी हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों,
तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो चलिए समझते हैं इसका अर्थ। दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, जिसमें एबी बटे डीईएफ बराबर एसी बटे डीएफ के, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये समानुपाती है। तो चलिए अब प्रमेय के स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रमेय में लिखा हुआ है एक त्रिभुज का एक कोण, मतलब पहले त्रिभुज एबीसी का एक कोण यानी मान लेते हैं कोण ए, दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर यानी दूसरा त्रिभुज कौन सा है DEF, तो मान लेते हैं इसका कोण D। तो अगर कोण A कोण D के बराबर है तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती। इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है, कोण A कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है, भुजा AB तथा भुजा AC। इसी प्रकार कोण D कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना है, भुजा DE तथा भुजा DF। इसीलिए अगर किसी दो त्रिभुज में एक कोण एक संगत कोण बराबर हो, जैसे यहाँ पर है कोण A बराबर है कोण D के, साथ ही उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं जैसे कि AB बटे DE बराबर हो AC बटे DF के, तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं और इस समरूपता कसौटी को हम कहते हैं SAS यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो आज की वीडियो में हमने किया एंगल 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 यानी कोण 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 कसौटी, कोण कोण कसौटी, भुजा 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 कसौटी तथा भुजा कोण भुजा कसौटी। अगली वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में एक प्रमेय किया था 6.1 जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय था। इसके अलावा अगली वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक प्रमेय करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम एक पाइथागोरस प्रमेय करेंगे, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन प्रमेय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रमेय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का पांचवा और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे संक्षारण क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि धातुओं की प्राप्ति होती कैसे है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हम अयस्क का इस्तेमाल करते हैं धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए। अब जानते हैं कि इन अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे किया जाता है। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। तो अब इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी हो जाता है। इन्हें हटाना कैसे है वो इस बात पर निर्भर करता है कि अशुद्धियां किस तरीके की हैं। जैसे कि अगर मिट्टी है तो फिर उसे धोकर हटाया जा सकता है, या फिर कोई लोहे की अशुद्धियां हैं तो उन्हें हम चुंबक का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं।
यहाँ पर आयरन अयस्क का उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं कि आयरन अयस्क में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। तो यहाँ से आयरन का निष्कर्षण करने से पहले इस मिट्टी को हटाना होगा। अब जब ये अशुद्धियां हट जाती हैं, तो हमारे पास अयस्क बचता है। उसके बाद बारी आती है निष्कर्षण की। निष्कर्षण किस तरीके से किया जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो धातु है उसकी सक्रियता कितनी है। जैसे सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली जो धातुएं होती हैं, ये काफी अनाभिक्रिय होती हैं। तो इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही हमें धातु प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम मरकरी की बात करें, तो मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार, जिसका सूत्र होता है HgS। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये सबसे पहले HgO में बदलता है, और उसके बाद अगर हम इसे फिर से गर्म करें तो उससे हमें Hg यानी कि मरकरी मिल जाता है। ये तो था जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं उन तत्वों को कैसे निष्कर्षित किया जाता है। पर सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण उनसे अलग होता है। अगर हम इन धातुओं की बात करें तो प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। परंतु यहाँ भी एक परेशानी है, सल्फाइड और कार्बोनेट से धातु निकालना थोड़ा कठिन है, और धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सल्फाइड और कार्बोनेट को सबसे पहले ऑक्साइड में बदलेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। सल्फाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है, यहाँ पर ध्यान दीजिए वायु की उपस्थिति, तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, उसमें गर्म करने पे ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ में हमें SO2 गैस मिलेगी। इस प्रक्रिया का नाम है भर्जन। ध्यान दीजिए, भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है और ये सल्फाइड अयस्क के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं कार्बोनेट अयस्क की बात करें, तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप करने पर ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि हमने ये अभिक्रिया सीमित वायु में की है। तो जिंक कार्बोनेट को सीमित वायु में गर्म करने से हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विकसित होती है। ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब हमारे पास धातु ऑक्साइड आ गया, तो उससे धातु प्राप्त करने के लिए हम उपयुक्त अपचायक का इस्तेमाल करेंगे और उससे हमें धातु मिल जाएगा। उदाहरण के लिए निस्थापन या भर्जन की मदद से हमारे पास धातु ऑक्साइड आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड आया है। हम इसकी अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन जिंक से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और जो जिंक है वो अलग हो जाएगा। इससे हमें जिंक प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ये जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये बहुत ही ज्यादा ऊष्मक्षेपी होती है। यहाँ तक कि इनमें से एक अभिक्रिया, जिसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है रेलवे की पटरियों को जोड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ऊर्जा विकसित होती है। चलिए अब बात करते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातु हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होता है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक तो प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत अपघटनी का। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड को जल में मिला लेंगे और कैथोड और एनोड की मदद से इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे। अब जैसा हम जानते हैं, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम का आयन जो कि पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और क्लोरीन का आयन जो कि नेगेटिव होता है वो एनोड की तरफ जाएगा। इससे
एनोड पे हमें क्लोरीन मिल जाएगा और कैथोड पे सोडियम। अब बात करते हैं धातुओं के परिष्करण की। अभी हमने जितने भी प्रक्रमों की बात करी, भर्जन, निष्पातन, विद्युत अपघटनी, विस्थापन आदि, इन सभी प्रक्रमों से जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। तो धातुओं से जो अपद्रव होते हैं उन्हें हटाने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम करते क्या है कि कैथोड हमारी शुद्ध धातु होती है और एनोड वो धातु होती है जिसे शुद्ध करना होता है। जब इस विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो एनोड से जो शुद्ध धातु है वो कैथोड वाली शुद्ध धातु पे चली जाती है और जितने भी अपद्रव होते हैं वो एनोड के नीचे ही इकट्ठे हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है एनोड पंक। इसी प्रक्रम का नाम है विद्युत अपघटनी परिष्करण। चलिए अब बात कर लेते हैं संक्षारण की। खुली वायु में अगर आप कुछ दिनों तक सिल्वर की वस्तुएं डालें तो वो काली हो जाती हैं, क्योंकि उस पे सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है। इसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर भूरे रंग का होता है, पर वायु में ज्यादा दिनों तक छोड़ने पे ये हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कॉपर कार्बोनेट की एक परत होती है। जंग के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। लोहे को अगर हम खुली वायु में रख दें तो उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए हम धातु को पेंट कर सकते हैं, उस पे तेल लगा सकते हैं, उस पे ग्रीस लगा सकते हैं, या साद लेपन और क्रोमियम लेपन कर सकते हैं, या एनोडीकरण कर सकते हैं, या फिर मिश्रित धातु बना सकते हैं। इन सभी से जंग से धातु को बचाया जा सकता है। यशाद लेपन क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो यशाद लेपन में हम क्या करते हैं कि धातु के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं, जिससे धातु का संक्षारण नहीं होता। मिश्रित धातु की बात करें तो दो या दो से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्रित धातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कॉपर में चांदी को मिलाते हैं तो उससे हमें पीतल मिलता है। यदि कोई एक धातु पारद होता है तो मिश्रित धातु को अमलगम कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है और उसके बाद हमने जाना कि संक्षारण क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इस अध्याय को हमने 6 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूमिका अवकलज के अनुप्रयोग की तथा राशियों के परिवर्तन की दर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों जैसा कि इस अध्याय के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि हम अवकलज का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में। हम अवकलज का प्रयोग करते हैं राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, जैसे कि
मान लीजिए आपके पास कोई राशि दी गई हो, जो कि हम यहाँ पर मान रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल का, जो कि बराबर होता है पाई आर वर्ग के, जिसे हमने नाम दिया है ए का। अब अगर इस राशि को हमें आर के सापेक्ष ए के परिवर्तन दर ज्ञात करनी हो, तो ये हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये हम ज्ञात करते हैं अवकलज का प्रयोग करके। तो इस प्रकार से हम अवकलज का प्रयोग करके राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे अनुप्रयोग की ओर, जो कि है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब की समीकरण ज्ञात करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, आकृति में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक स्पर्श रेखा भी है और अभिलंब भी है। तो दोस्तों, इन दो रेखाओं के समीकरण हम ज्ञात करेंगे अवकलज का प्रयोग करके। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अनुप्रयोग की ओर, जो कि है एक फलन के आलेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में, जो हमें उनको ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई दो फलन दिया गया है, स्क्रीन पर वो दो फलन आपको दिख रहे हैं, जो कि है y बराबर fx। अगर इन दोनों फलन में हमें यह ज्ञात करने को कहा जाए कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं अवकलज का प्रयोग करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अवकलज के अगले अनुप्रयोग की ओर, जो कि है वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करना। दोस्तों, कोई फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ये भी हम ज्ञात करेंगे अवकलज का प्रयोग करके। जैसे कि स्क्रीन पर आपको एक फलन दिख रहा है, अब यह फलन कहाँ पर वर्धमान है और कहाँ पर ह्रासमान है, ये भी हम बता पाएंगे अवकलज का प्रयोग करके, जो कि हम इस अध्याय में सीखेंगे। अवकलज का अगला अनुप्रयोग है दोस्तों, राशियों के सन्निकट मान प्राप्त करने में। जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 36 का मान क्या होगा, तो ये आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि ये 6 होगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गमूल 49 का मान क्या होगा, तो ये भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 7 होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 36.6 का मान क्या होगा या इसके सन्निकट मान क्या होगा, तो ये आप कैसे बता पाएंगे? या फिर आपसे ये पूछा जाए कि वर्गमूल 49.5 के सन्निकट मान बताने के लिए, तो ये आप कैसे बताएंगे? ये आप एक अनुमान करके बता सकते हैं कि वर्गमूल 36.6 6. कुछ के बराबर होगा या वर्गमूल 49.5 7. कुछ के बराबर होगा। लेकिन वो कुछ क्या होगा, ये हम बता पाएंगे अवकलज का प्रयोग करके। तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं एक एक करके। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हम अवकलज के पहले अनुप्रयोग से, जो कि है राशियों के परिवर्तन दर ज्ञात करने में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम राशियों के परिवर्तन की दर से। चूंकि दोस्तों, राशि कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर जो राशि का प्रयोग किया है वो है क्षेत्रफल, वो भी वृत्त के क्षेत्रफल का। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग के। यहाँ पर देखा जाए तो पाई एक अचर संख्या है, यानी कि कांस्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर आर जो हो जाएगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, यानी कि अगर हमारे वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो हम राशि के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे, वो हमारा बराबर हो जाएगा dA बटे dR के, क्योंकि यहाँ पर हम क्षेत्रफल को परिवर्तित कर रहे हैं त्रिज्या के सापेक्ष में। तो दोस्तों, राशियों के परिवर्तन की दर का जो मतलब होता है, वो होता है, इस उदाहरण से जो हमें समझ आया है वो है कि अगर हमारा रेडियस चेंज होगा, यानी कि अगर हमारा त्रिज्या बदलेगा, तो हमारे क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आएगा, और यही हो जाएगा हमारे राशियों के परिवर्तन की दर, जो कि हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह हम उसे ज्ञात करेंगे। अगर एक सामान्य रूप में बताया जाए तो राशियों के परिवर्तन की दर बराबर होगी dQ बटे dP के, जहाँ पर
ये जो Q होगा वो किसी राशि को दर्शा रहा होगा और जो ये P होगा वो परिणाम होगा जिस पर राशि Q निर्भर करती है। जैसे कि अभी जो हमने उदाहरण लिया था उसमें हमारा जो क्षेत्रफल था पूरी तरह से निर्भर कर रहा था हमारे त्रिज्या पे, अर्थात अगर हमारे वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही थी तो हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ रहा था। इसी प्रकार से हम कोई और भी परिणाम ले सकते हैं, जैसे कि आयतन हो गया या पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इत्यादि। तो दोस्तों अगर हमें यह दिया हुआ हो कि अवकलज ds बटे dt, तो इससे हमारा जो तात्पर्य होगा वो होगा समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s के परिवर्तन की दर से, यानी कि ds बटे dt हमारा परिवर्तन का दर होगा समय अंतराल t के सापेक्ष दूरी s से। इसी प्रकार से यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तो dy by dx या f'x x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। यानी कि dy by dx अगर हम लिखते हैं तो वो हमें यह प्रदर्शित करता है कि वो x के सापेक्ष y की परिवर्तन की दर है, जिसे हम f'x भी लिखते हैं, और dy by dx या f'x0 हमारा मान हो जाएगा x बराबर x0 पर, जो कि प्रदर्शित करता है x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को x बराबर x0 पर। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी राशियों के परिवर्तन की दर की। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किस तरह हम राशियों का परिवर्तन करेंगे अवकलज से। जैसा कि आप सब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग के। अब चूंकि यहाँ पर हमें राशियों का परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ज्ञात करना है dA बटे dr। आइए देखते हैं कि ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब जब हम dA बटे dr ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा d बटे dr गुने पाई आर वर्ग के। अब हम यहाँ पर अवकलज करेंगे r के सापेक्ष में। तो जब हम यहाँ पर अवकलज ज्ञात करेंगे r के सापेक्ष में तो हमें dA बटे dr प्राप्त हो जाएगा दो गुने पाई गुने आर। तो यही हो जाएगा हमारा राशियों का परिवर्तन की दर, जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं अवकलज का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों इस तरह से हम ज्ञात करेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला, हमें ये पता हो कि हमें जो दर ज्ञात करना है वो किसके सापेक्ष में है। यहाँ पर हमने जो दर ज्ञात किया है वो त्रिज्या के सापेक्ष में है। इसी प्रकार से अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें इसे परिवर्तित करना है समय के सापेक्ष में, तो वो हम ज्ञात करेंगे dA बटे dt से। यहाँ पर dA बटे dt बराबर हो जाएगा dA बटे dr गुने dr बटे dt के, जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं चेन रूल से। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है घन के आयतन का, जो कि बराबर होता है a घन के। अगर हम इस राशि को परिवर्तित करना चाहते हैं समय अंतराल के दर में, तो वो हम ज्ञात करेंगे dv बटे dt से। तो दोस्तों ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? dv बटे dt हम ज्ञात करेंगे अवकलज का प्रयोग करके, जो कि हमें प्राप्त होगा d बटे dt गुने a घन से, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dv बटे dt बराबर d बटे dA गुने a घन गुने dA बटे dt, जिसे जब हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dv बटे dt बराबर 3 गुने a वर्ग गुने dA बटे dt से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, जिसमें कि हमें सबसे पहले यह ध्यान में रखना होता है कि हम उस राशि को किसके सापेक्ष में परिवर्तन कर रहे हैं, और फिर उस पर हम अवकलज का प्रयोग करते हैं। तो ये थी जानकारी राशियों के परिवर्तन के दर के बारे में। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, ताकि आपको राशियों के परिवर्तन की दर और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों हमारा पहला उदाहरण है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आर बराबर है 5 सेंटीमीटर के।
यानी कि यहाँ पर हमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है त्रिज्या r के सापेक्ष में, और हमें r का मान भी दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखते हैं a बराबर पाई r वर्ग से। अब जब हम r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें ज्ञात करना होगा dA बटे dr। अब dA बटे dr हम कैसे ज्ञात करेंगे? dA बटे dr हम ज्ञात करेंगे d बटे dr गुने पाई r वर्ग से, यानी कि यहाँ पर हम अवकलज का प्रयोग करेंगे और फिर ज्ञात करेंगे r के सापेक्ष a के परिवर्तन की दर, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगी dA बटे dr बराबर 2 गुने पाई r के। जब हमारा अवकलज आ गया है तो हम वहाँ पर r के जगह पर 5 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित करके वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आ जाएगा 2 गुने पाई गुने 5 के बराबर। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 10 गुने पाई सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकंड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 10 पाई सेंटीमीटर वर्ग प्रति सेकंड की दर से बदल रहा है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत Cx रुपए में Cx बराबर 0.005 x घन घटा 0.02 x वर्ग योग 30 गुने x योग 5000 से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हम MC भी लिख सकते हैं, से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। तो दोस्तों यहां पर भी हमें सीमांत लागत का परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सीमांत लागत उत्पादन के किसी स्तर पर x इकाई के सापेक्ष संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है सीमांत लागत अर्थात MC बराबर DC बटे DX। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अवकलज का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं DC बटे DX, जो कि बराबर हो जाएगा D बटे DX गुने C। C के मान को जब हम प्रतिस्थापित करके अवकलज ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा DC बटे DX बराबर 0.005 गुने 3 गुने x वर्ग घटा 0.02 गुने 2 गुने x योग 30। तो दोस्तों ये आ गया हमारे परिवर्तन की दर अर्थात DC बटे DX। अब जब हम यहाँ पर 3 इकाई मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सीमांत लागत जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। जब x हमारा बराबर होगा 3 का तो हमारा MC बराबर हो जाएगा 0.005 गुने 3 गुने 3 वर्ग घटा 0.02 गुने 2 गुने 3 योग 30। जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा MC बराबर 30.015। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट अर्थात MC ज्ञात किया है। अतः अभिष्ट सीमांत लागत अर्थात लागत प्रति इकाई बराबर हो रही है 30.02 रुपए लगभग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अवकलज का प्रयोग करके राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा राशियों के परिवर्तन की दर। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे वर्धमान और ह्रासमान फलन। तब तक के लिए आप इस वीडियो पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। इस पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का छठा और अंतिम भाग समझेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश की एक परिघटना ध्रुवण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों, यदि हम एक लंबी डोरी को देखें जिसे क्षैतिज रखकर पकड़ा गया है और इसका दूसरा सिरा स्थिर माना गया है, तो ऐसी किसी डोरी के एक सिरे को यदि हम ऊपर नीचे आवृत्ति रूप से गति करें तो एक तरंग उत्पन्न कर पाएंगे जो कि x दिशा में संचरित होगी। दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि विस्थापन तरंग की संचरण दिशा के लंबवत है, अर्थात y दिशा में है, इसी कारण इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। साथ ही क्योंकि विस्थापन y दिशा में है, इसीलिए इसे प्राय y ध्रुवित तरंग भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि डोरी के कंपन के तल को अत्यंत अल्प अंतराल में रैंडमली बदला जाए तो हमें अध्रुवित तरंग प्राप्त होती है। इस प्रकार एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ यादृच्छिकतः यानी रैंडमली बदलता रहता है, हालांकि यह सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत रहता है। दोस्तों, प्रकाश की तरंगों की प्रकृति भी अनुप्रस्थ होती है, अर्थात संचरित हो रही प्रकाश तरंग से संबंध विद्युत क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है और इसे एक पोलेरॉइड का उपयोग करके सरलता से प्रदर्शित किया जा सकता है। आपने पतली प्लास्टिक शीटें देखी होंगी जिन्हें पोलेरॉइड कहते हैं। जब कोई अध्रुवित प्रकाश तरंग ऐसे पोलेरॉइड पर आपतित होती है तो प्रकाश तरंग रेखीय ध्रुवित हो जाती है, जिसमें विद्युत सदिश पंक्तिबद्ध अणुओं की लंबवत दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं और इस दिशा को पोलेरॉइड की पारित अक्ष यानी पास एक्सिस कहते हैं। इस प्रकार जब किसी साधारण स्रोत का प्रकाश पोलेरॉइड की किसी शीट P1 पर पारित होता है तो यह देखा जाता है कि इसकी तीव्रता आधी हो जाती है। P1 को घुमाने पर पारगत किरण पुंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि पारगम्य तीव्रता स्थिर रहती है। दोस्तों, अब हम एक समरूप पोलेरॉइड P2 को P1 के पहले रखते हैं। अब लैंप से आने वाले प्रकाश की तीव्रता केवल P2 से ही पारित होने में कम हो जाएगी, परंतु अब P1 के घुमाने का P2 से आने वाले प्रकाश पर एक नाटकीय प्रभाव पड़ता है। एक स्थिति में P2 से पारगम्य तीव्रता P1 से पारित होने पर लगभग शून्य हो जाती है और जब इस स्थिति से P1 को 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो यह P2 से आने वाली लगभग पूर्ण तीव्रता को पारगमित कर देता है। दोस्तों, इसके लिए हम मान सकते हैं कि पोलेरॉइड P1 से पारगमित प्रकाश का P2 की पारित अक्ष यानी पास एक्सिस के अनुदिश ध्रुवण हो जाता है। यदि P2 की पारित अक्ष P1 के पारित अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो P1 से घटक E cos थीटा पारित होता है और इस प्रकार जब हम पोलेरॉइड P1 को घुमाते हैं तो तीव्रता निम्न प्रकार बदलती है, I = I0 cos^2 थीटा। दोस्तों, यहाँ पर I0 P1 से गुजरने के पश्चात ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है और दोस्तों इस नियम को मेलस का नियम कहते हैं। दोस्तों, पोलेरॉइड को धूप के चश्मों, खिड़की के शीशों आदि में तीव्रता नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। पोलेरॉइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरों तथा 3D चलचित्र कैमरों में भी किया जाता है। दोस्तों, पोलेरॉइड के अतिरिक्त प्रकाश परावर्तन के द्वारा भी ध्रुवण की परिघटना को किया जा सकता है। इसमें जब दो पारदर्शी माध्यमों की सीमा पर कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तब यदि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे के बीच समकोण बनाती हों तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। इस अवस्था में आपतन कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं तथा इसे
आई बी से निरूपित किया जाता है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ आई बी सघन माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है, क्योंकि हमने जैसा कि कहा कि आई बी जमा आर बराबर होता है 90 डिग्री यानी पाई बटे 2 के, और स्नेल के नियम द्वारा हम लिख सकते हैं कि म्यू बराबर होगा साइन आई बी बटे आर यानी कि साइन आई बी बटे साइन पाई बटे 2 घटा आई बी के, जिसे लिख सकते हैं साइन आई बी बटे कॉस आई बी जो बराबर होता है टेन आई बी के। दोस्तों इस नियम को कहा जाता है ब्रूस्टर का नियम। तो दोस्तों इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना प्रकाश की एक परिघटना ध्रुवण के बारे में, और जाना कि प्रकाश परावर्तन के द्वारा भी यह ध्रुवण की परिघटना संभव होती है। इसी के साथ खत्म होता है यह अध्याय तरंग प्रकाशिकी। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा गणित का अध्याय त्रिभुज, साथ ही साइंस का अध्याय धातु एवं अधातु। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा गणित का अध्याय एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, साथ ही फिजिक्स का अध्याय तरंग प्रकाशिकी। चलिए अब हम जानेंगे कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, साथ ही हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फॉग चैप्टर। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, साथ ही हम 12वीं कक्षा के बायोलॉजी का अध्याय पढ़ेंगे वंशागति के आण्विक आधार। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर डिजिसात इक्वेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।